तो आपका प्रश्न है कि इन्हन का सिद्ध योगी वगैरह जो सिद्ध योगी वगैरह होते हैं क्या आई थिंक वी स्टार्टेड ऑन अ रॉन्ग नोट. अब हंसी थोड़ा रोकनी मुश्किल हो गया क्योंकि अब आप कितना ही गहरा प्रश्न क्यों ना करेंगे मुझे उसमें व्यंग ही दिखेगा. एनी वेल ट्राई शायद आपकी और ना देखूं तो कम हंसूं. इसमें आपके चेहरे का दोष नहीं इसमें मेरी बुद्धि का दोष है. एनीवे तो क्या हम भविष्य को देख सकते हैं आज्ञा चक्र के माध्यम से? कि ऐसा कहा जाता है कि योगी जन जो हैं एक भूत भविष्यत वर्तमान को देख सकते हैं. आज्ञा चक्र की आवश्यकता नहीं है उसके लिए, उसके लिए जागृति की आवश्यकता है और हृदय में अपार मनुष्य के करुणा हो. कुछ भविष्य ऐसा होता है जो पहले से तय है, जिसको बोलते हैं प्रारब्ध. प्रारब्ध से जो मनुष्य के जीवन में घटित होना होता है वो कुछ हद तक देखा जा सकता है. कुछ भविष्य ऐसा होता है जो भी तय ही नहीं हुआ, जिसका निर्माण मनुष्य कर रहा है, और कुछ भविष्य ऐसा होता है जो मात्र हरि इच्छा से होता है, उसको कोई नहीं देख सकता. तो क्या हम किसी के भूत भविष्यत वर्तमान को देख सकते हैं? एक ओवरऑल स्कैन तो होता है योगी का. कुछ दिन पहले ही मैं उदाहरण दे रहा था, जैसे टर्मिनेटर मूवी में होता ना, वो चलता है, वो ऐसे स्कैन होता चला जाता है. एक ऐसा स्कैनर तो होता है, पर इसका ये अर्थ नहीं कि वो हर समय ऑन है. इसका ये अर्थ नहीं कि वो किसी की व्यक्तिगत जीवन में घुसकर उस व्यक्ति के भूत भविष्यत वर्तमान की ओर देख रहा है. पर एक अंदेशा तो हो जाता है, सबसे में नहीं होता, उस केस में होता है जहां भविष्य तय है. और सबसे विस्मित कर देने वाली बात है कि 90% समय भविष्य तय नहीं होता पहले से. इसलिए कहा नहीं जा सकता कि एक व्यक्ति का कार्य होगा या नहीं होगा. और बहुत सारे जो योगी जन, सो कॉल्ड योगी जन, गुरुजन, एस्ट्रोलॉजर्स जो ये भविष्यवाणी कर देते हैं वो प्रोबेबिलिटी थ्योरी पर चलते हैं, सत्य पर नहीं. आप 100 गर्भवती स्त्रियों से मिलो, सबको बोल दो जाओ तुम्हारे बेटी होगी या बेटा होगा, 50 के तो होगा ही. वो 50 जो हैं आगे जाके 5000 को बताएंगे. वो 5000 बोलेंगे हाँ उन्होंने भविष्यवाणी की थी, सत्य थी. तो जो सिद्ध योगी है वो शब्दों में वचन देकर कभी फंसेगा ही नहीं, क्योंकि कर्म मनुष्य के हाथ में है, उसको करना है. एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है, 10वें पातशाह महाराज गुरु गोविंद सिंह जी हुए और उनके पास एक बार एक काजी आया. उस काजी का नाम था सलारुद्दीन. बड़ी महिमा थी गुरु गोविंद सिंह जी की, तेजस्वी थे, पराक्रमी थे, विद्वान थे और इतनी अद्भुत पीछे गुरुओं से जुड़े हुए थे, सिद्ध थे. तो वो क्या देखता है कि बहुत सारे लोग जो हैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास आ रहे हैं आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए. तो किसी को तो गुरु गोविंद सिंह जो हैं बोल देते थे कि हाँ तुम भजन कीर्तन इत्यादि करो, किसी को बोलते थे कि तुम दान करो, किसी को बोलते थे कि नानक की, जैसे पंजाबी में नानक की कृपा जरूर होगी, नानक की कृपा अवश्य होगी, जा जरूर होगी गुरु नानक की कृपा तुम पर. तो वो सलारुद्दीन जो काजी था उसने आधा घंटा बैठकर वहां पर ये पूरा क्रियाकलाप देखा. उसने गुरु गोविंद सिंह जी से पूछा कि ये क्या माजरा है,
क्या आप कुछ विशेष देखकर बोलते हैं? किसी को बोल दिया जा भजन कीर्तन कर भाई, जो रब दी इच्छा वही होएगा, जो ऊपर वाले की इच्छा वही होगा। किसी को बोलते हो कि जाओ तुम दान इत्यादि करो, सेवा करो। किसी को बोलते हो कि नानक की कृपा अवश्य होगी। तो क्या गुरु नानक किसी का लेखा जोखा बदल सकते हैं? यदि किसी के भाग्य में कोई चीज नहीं है, क्या ऐसा कहने पर कि नानक की कृपा तुझ पर होगी, क्या उसका भाग्य बदल जाएगा? क्या आप गुमराह नहीं कर रहे लोगों को? ऐसी बात क्यों बोल रहे हैं कि नानक कृपा होगी जा? तो गुरु गोविंद सिंह महाराज हैं, उनसे बोलते हैं, कहते देखिए यहां पर सब प्रकार के लोग आते हैं। जो भरा हुआ आता है ना अहंकार से, उसको मैं बोलता हूं जा भजन कर, सिमरन कर, भजन कर, उसी से तेरा कल्याण होगा, शायद तेरी बुद्धि जो है थोड़ी पलट जाए। कुछ है उनमें क्षमता होती है समाज को कुछ दे सकें, धन है, साधन है, उनको मैं बोलता हूं सांप की तरह तुम बैठे हुए हो अपने धन पर। मनुष्य को धन से बहुत अपार प्रीति होती है, ना जाने व्यवहार विचार आचरण बदल जाता है मनुष्य का धन के प्रति। जैसे ही धन की बात आती है वही संबंधों का आधार हो जाता है। तो दसवें बादशाह उनसे बोलते हैं, उसको मैं बोलता हूं जा दान कर, थोड़ा हाथ खोलेगा तो थोड़ा दिमाग खोलेगा। पर कुछ ऐसे होते हैं, मन में अच्छा भाव है परंतु थोड़ा सा अभी एक मैं का भाव बचा हुआ है, पर भक्ति के करीब हैं, नानक की कृपा के करीब हैं। कृपा पाने के लिए पात्रता तो जरूरी है ना। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे भक्त को मैं बोलता हूं जा सेवा कर। तो सलारदीन ने कहा बात ठीक है, पर उत्तर मुझे अभी भी नहीं मिला। वो कौन से लोग हैं जिनको आप बोलते हो कि जा नानक की कृपा होगी और तेरा काम होगा? क्या आपके जो नानक हैं वो मनुष्य के भाग्य को बदल देंगे? जो किसी के माथे पर लिखा हुआ है वो बदल जाएगा? तो गुरु गोविंद सिंह इतनी गहरी बात बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपने मुखारविंद से? कहते तुमने कभी मोहर देखी है काजी? मोहर, जब मोहर लग जाती है तो जो दस्तावेज होता है, जो कागज होता है, उसका मूल्य कुछ और हो जाता है। पर मोहर देखी है कभी? उसने कहा हाँ मोहर तो देखी है। पंजाबी का मोर ते हमेशा अक्षर जड़े उल्टे होंदे ने। मोहर पर जब अक्षर छपे होते हैं उल्टे होते हैं, पर जब थप्पा लगता है ना सीधे हो जाते हैं। उल्टी मोहर नहीं पड़ी जाती, सीधी मोहर पड़ी जाती है हमेशा। तो जहां कहते नानक का थप्पा लग जाता है ना, जो इस भाव में आता है अपने आप को खाली करके आता है, उस पे जब थप्पा लगता है ना तो सीधे अक्षर भी उल्टे अक्षर भी सीधे हो जाते हैं। जिसको यह ज्ञान नहीं वो मोहर लेकर ही चाहे भाग जाए उल्टे अक्षर ही पढ़ता रहेगा। तो यही एक योगी की सिद्धि होती है। सिद्धि कोई दुकान की वस्तु नहीं है जो सबके लिए प्रयोग की जा सके। काम जब पड़ता है तो कोई भी खाली होने को तैयार रहता है कि मैं भी खाली हूं जी, मैं भी आपको समर्पित हूं। परंतु वो सच्चा समर्पण नहीं होता, वो तो मात्र एक व्यापार की व्यवस्था है। उसमें योगी शायद कुछ करे या ना करे कौन जाने, पर जब सच्चा समर्पण होता है तो व्यक्ति आत्मा से भूतात्मा, पवित्र आत्मा, सिद्ध आत्मा, परमात्मा हो जाता है। कहते हैं कि कुंभकर्ण ने भगवान राम को एक बार बोला, रावण को एक बार कहा कि तुमने इतनी भारी मूर्खता की,
जैसे इंद्र ने अहिल्या के साथ किया था, ऐसे ही तुम सीता के साथ कर लेते। मां जानकी को इतने बड़े तुम साधु बनकर उनको उठा लाए, बाद में उन्होंने तुम्हारा स्वरूप देखा रास्ते में ही, उसकी बजाय राम का स्वरूप ही धारण करके चले जाते। जब इच्छाधारी थे तो बात में तो दम है कि राम का स्वरूप धारण करके वहां क्यों नहीं चले गए। मां सीता को क्या पता चलना था, तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाता, शूर्पणखा का जो तुम बदला लेना चाहते थे वो ले लेते। जानते हैं रावण ने क्या कहा? रावण ने कहा, मैंने ऐसी कोशिश की थी कुंभकर्ण, जैसे ही मैंने राम का स्वरूप धरा मुझे हर परिस्त्री मां लगने लग गई। हर पर नारी मां तू समान माही, हर जो नारी है जो पर स्त्री है मुझे मां समान दिखने लग गई। तो मैंने कहा इससे तो मैं मां सीता का हरण नहीं कर सकता, अपहरण नहीं कर सकता। योगी और एक भोगी में बस यही मूल अंतर होता है। योगी अपने सत्व में स्थित रहता है, भोगी जो है वो बहता रहता है।